अभी इसका हम लोग ने जमा किया है आ? इसका भी हम लोग सॉफ्ट बॉय बनाएंगे, नया बाउली बनेगा इसका। हाँ छोटा ब्रांड। हाँ वी लिटरली हैव अ बॉक्स। ओके सो ड्यूटी खत्म हुए, 4 दिन हो चुके हैं। I've had no symptoms as of now, so hopefully I am fine. And obviously now I'm missing Brian. And अब time भी हो गया, अब मैं घर पे हूँ और मेरे को 12 दिन की छुट्टी भी है, तो मैं Brian को जा रहा हूँ अभी मल्हार के यहाँ से लेने, which obviously मल्हार is very sad about. But I'm excited because my doggy comes home. अंदर जाके और वो मेरा 7 से लेके 10th तक का स्कूल था एंड ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स आर फ्रॉम रायन खारगर, अभी भी हम लोग साथ में। इसलिए खारगर हैज डिफरेंट मेमोरीज ऑल टुगेदर। सो मल्हार इज फ्रॉम खारगर? सॉरी मल्हार वाज पहले। हां मल्हार इज बीन फ्रॉम खारगर फॉर अ लॉन्ग टाइम। 11th 12th में हम लोग वी वर इन जोसेफ कलंबोली और वो स्कूल की कहानियां ही अलग थी। वो मतलब वो स्कूल यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन पीपल जो अंग्रेजी में बात करते हैं, समझ रहे हैं? मतलब तो मैं कैसे कॉन्वेंट स्कूल से आया था जहाँ पर हम लोग सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं बचपन से, सडनली वी गो टू अ स्कूल जहाँ पर अगर अंग्रेजी बात करो तो आप अतरंगी हो। जब मैं जोसेफ कलंबोली में गया था तो लोग एक क्लास से दूसरे क्लास लेके जाते थे और बोलते थे तू इंग्लिश में बात करके दिखा, और मैं तो आई टू फील लाइक एन एलियन। तो मल्हार एंड मी कनेक्टेड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड एवरीथिंग। मल्हार इज अनदर कैरेक्टर, ही वाज द यंगेस्ट मैजिशियन इन इंडिया। हर स्कूल इवेंट में मैं इवेंट को होस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश, एंड मल्हार उस इवेंट में एक मैजिक शो का उसका पार्ट होता था, मैजिक शो और डांस मल्हार करेगा और पूरा इवेंट होस्ट तो मैं ही करता हूँ। वो ऐसा मतलब 2 साल ऐसे ही चलता था एंड वी स्टेड फ्रेंड्स थ्रू आउट एंड एवरीथिंग। आई हैव ग्रोन क्लोज टू हिज फैमिली, प्लस ब्रायन का फॉस्टर डैड है वो। लाइक फ्रॉम द डे ब्रायन केम टू माई हाउस, जब भी हम लोग कहीं बाहर वेकेशन पे जा रहे हैं या कुछ हो रहा है तो ब्रायन हैप्पीली गोज एंड स्टेज एट मल्हार्स हाउस। आई थिंक देयर सो मच ऑफ एनिमल्स कनेक्टिंग मी एंड मल्हार ना, क्रेजी। बिकॉज मल्हार के पास एक डॉग था टाइनी एंड ही वाज अ ग्रेट नेम, मतलब 6.5 फीट का कुत्ता और उसका नाम था टाइनी। मल्हार के 16th बर्थडे पे मैंने उसको 2 रैबिट्स गिफ्ट किए थे, उनका नाम था सैफ एंड बेबो। यू सी हिम? अरे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं ब्रायन को जहाँ भी वो चले जाते हैं। फूले ना समाना। आराम से ब्रायन, खींचो मत, खींचो मत, खींचो मत, खींचो मत, खींचो मत, खींचो मत। This guy to leave, I'm not planned for this. Dude, मेरे लिए अभी ऐसा भाई बेचारा हो गया ना, क्योंकि I'm not planned for this. अजीब लगेगा ना? नहीं सच्ची यार, I'm used to this guy sitting next to me. Why you walking? Bro, yeah. अरे इधर नहीं जाना तुमको। Wait up, Brian. Check. Up. 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 बाल कवर था, गॉगल्स पहना था और ये कवर था। सो आई वेंट लाइक दिस, ओके, आई वाज स्टैंडिंग देयर। सो माय टर्न आने के लिए, मेरा टर्न, तो अब मिल्क नो फिनिश गो। Bro, why is she talking to me like this? I left. Then I realized why they were talking to me like this. Why? Because there are so many. And they thought that I was one of them. Racist? Yes.
दूध वाला इसको देख के बोला नो मिल्क फिनिश नो जेन्युइनली फिनिश हो गया था बट ही थॉट इज नॉट फ्रॉम हियर सो ही थॉट ही वाज ओ गॉड तू एक काम कर लाइफ बॉय से डाल तेरा साबुन स्लो है डॉक्टर हां मेरा साबुन स्लो है डूड इस दिन मेरा 12 दिन से वापस मेरा साबुन बहुत अब क्या दोस्ती हो गई इन लोग से पागल है क्या कौन रे नो मलार वॉज नॉट एट हाउस वेन आई केम टू पिक ब्रायन अप वापस घर के लिए मैं घर गया उसके बाद मलार का कॉल तू लेके गया मैंने क्यों मतलब अभी बाबा का ऐसा बुरा मेरे को मैसेज आया कि ही गॉन यार बिफोर ऑल ऑफ दिस व्हेन आई टोल्ड हिम दैट यू आर कमिंग टू पिक हिम अप फोटो सेशन हो गया इसके साथ पूरा अच्छा आई विल सेंड यू पिक्चर्स एंड कपल ऑफ पिक्चर्स आर रियली नाइस हो गया ब्रायन शुरू कर लिए ना चलो कभी कभी तो खाली हवा ही मारते हो सबसे बेस्ट है हां हॉल में बैठ गया एंड दिस गाय सॉ मी लीविंग डेढ़ बजे तक सोया नहीं मेरा काम एक बजे मेरा काम 12:30 तक खत्म हो गया हाँ। खाना वाना खा के काम कर रहे हैं हाँ। लेफ्ट दरवाजे पे खड़े रहकर हाउलिंग ही वाज हाउलिंग ही वाज मला लेफ्ट हाँ मैं बोला मत कर भाई मत कर ओके कम हियर सिट नेक्स्ट टू मी व्हाटएवर नो ठीक है देन आई सेड ओ आई रियलाइज काम खत्म करते जल्दी ठीक है बच्चे को लगेगा जरूरत फटाफट काम खत्म किया मैं बैठा मैं टीवी चालू करके बैठा क्या मेरे बाजू में अंदर नहीं जा रहा किचन में भाग गया बोले चल ना देन आई फाइनली पुष्टी मैन देन आई ऑल्सो केम देन मैं बोला चल अभी लेट जाता हूँ आई नो दैट ही'ल कम एट 1:30 इट्स अ बर्थडे थिंग राइट सो आई सेड लाइट बंद नहीं करते सो लेट इट बी सो आई जस्ट लाइट डाउन एक बार हॉल किया हाँ ठीक है मैं बोला क्या कर रहा और बैठ गया मैं हाँ ठीक है देन आई एम जस्ट नेक्स्ट टू हिम वी डिड नॉट स्लीप वी वर जस्ट देयर टिल दिस बगर कम्प्लेन बोला भाई लेके जा एवरी डॉग हैज देयर ओन या अरे गधे मैं चलाऊंगा इधर आ चल 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 कौन कौन रख सकता है कौन कौन अच्छे से रख पाएगा सो इट्स अ वेरी ऐसा मतलब इन द ग्रे एरिया वाला टॉपिक है तो तू ऐसा कुछ बोल नहीं सकता कि ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तू जनरल पब्लिक के लिए मेरे को बोलेगा कि हस्की या फिर बोनार्ड रखना चाहिए मेरे को लगता है नहीं रखना चाहिए आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू कीप अ डॉग ठीक है इट्स नॉट अ डॉग इट्स योर बेबी यू टेक केयर ऑफ इट एज अ बेबी एंड इफ योर फर्स्ट टाइम डॉग इज अ हस्की एंड अ बोनार्ड जो आते ही तेरे को पता चलेगा साला इसको इतना केयर चाहिए मोस्ट ऑफ दोज डॉग्स आर देन अबैंडन्ड And that is sad. That is very sad. I remember not talking to my friend for about 2-3 years because उसने एक लैब्राडोर लाया था उसका पहला कुत्ता था और
एज अ पपी डॉग्स बाइट अ लॉट ना बिकॉज उनके दांत निकल रहे हैं तो उसको इरिटेट हो रहा है, तो च्यू च्यू स्मॉल थिंग्स. तो उसकी मॉम और वो ऐसा डर गए, तो उसने उसी रात को जहां से डॉग लाया था वहां जाके छोड़ दिया. एंड आई फेल्ट सो बैड, आई यू सीरियस, डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ फैशन, यू नो, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैड कि डॉग चाहिए, डॉग दे आर सो लवली, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोज देख ली है, बहुत सुंदर लग रहे हैं इसलिए ले लेते हैं. आई डोंट फील दैट इज द वे टू गो. घर पे जाने का एक्साइटमेंट है क्या, मतलब घर देखने का कोई एक्साइटमेंट होता है अलग? ब्रायन ना बहुत साइलेंट हो गया, ज्यादा ऐसा भौंकता बिकता ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं. मेरे घर पे अगर कोई चोर आया ना तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि चोर आया है. पर्पस ऑफ अ डॉग गॉन जीरो, क्योंकि वो क्या, पहले चोर आएगा तो ब्रायन उसको अपना टॉयज आके देगा, बोलेगा मेरे साथ खेल, फिर वो देख फ्रिज है, घोड़ा, टीवी, ठीक है, एक्सप्रेशन लेस है, सिर्फ ऐसा कूदता बूदता बहुत ज्यादा है, इज वेरी एक्साइटेड ऑल द टाइम. नाउ रियलाइज कि घर आ गया. ब्रायन की गर्लफ्रेंड फुल एक्साइटेड. कम ब्रायन. June 21st, 3 PM, done. Ready? Yeah. Good job, guys. Good job, guys. Good job. Good job, Haji. Good job, bro. Good job. And go! Congratulations, Dr. Sparsh Kumar. Video schedule. Your video will premiere on June 21st, 2020 at 3 p.m. This is happening in early in the morning, 6:50.